नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारी रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। शायद ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि होली पर तो ये जरा आम बात है। अक्सर हम घर वालों को ऐसे ही रंग लगाते हैं और ऐसे ही होली खेलते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत, जिसको संस्कृति का देश कहते हैं, और दिल्ली, जिसे भारत का दिल कहते हैं, वहाँ रंगों के त्योहार यानी होली के दिन एक महिला पर्यटक से छेड़छाड़ हो जाती है। उसे जबरन रंग लगाया जाता है, उसको घेर तक लिया जाता है। अंदाजा लगा सकते हैं हम कि आखिर वो लड़की कैसा महसूस कर रही होगी। उस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होता है और 3 लोगों पर एक्शन होता है, गिरफ्तारी तक होती है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कब तक होगा। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़कों का एक ग्रुप जापानी लड़की को होली है के नारों के बीच जबरन रंग लगाता है। लड़की के सिर पर अंडा तक फोड़ता है, जबकि महिला बाय बाय तक चिल्लाती है, वहां से निकलने का लगातार प्रयास भी करती है। होली की आड़ में महिला से छेड़छाड़ आखिर कहां तक जायज है? वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक साल 2022 में 30,996 मामले ऐसे सामने आए जिसमें महिलाएं अश्लील हरकत और छेड़छाड़ का शिकार हुई है। होली के दिन ऐसे मामले लगातार बढ़ जाते हैं, क्योंकि लगातार ये रिपोर्ट भी सामने आती है कि होली के दिन महिलाओं के साथ अश्लील हरकत, उनके साथ छेड़छाड़ काफ़ी हद तक होती है। भारत में होली का उत्सव अक्सर छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं से प्रभावित होता है, क्योंकि वाक्यांश बुरा न मानो होली है का उपयोग ऐसे सभी आपराधिक कृत्यों को सही ठहराने के लिए किया जाता है, जहाँ अधिकतर महिलाएँ इसकी शिकार बनती हैं। भारत में होली का उत्सव अक्सर ही छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं से प्रभावित होता है, क्योंकि होली पर, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, बुरा न मानो होली है लाइन का उपयोग किया जाता है और सभी तरीके की छेड़छाड़ और महिलाओं का छूना सही बताया जाता है, क्योंकि बुरा न मानो होली है यानी कि बुरा मत मानिए जनाब, ये होली का त्यौहार है। इसका उपयोग किया जाता है ताकि जो भी महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है, उन्हें जो जबरन छुआ जा रहा है, उसे सही ठहराया जा सके, जिसका शिकार अधिकतर महिलाएं बनती हैं। वीडियो भी हमने देखा कि किस तरीके से एक पर्यटक से छेड़छाड़ हुई। वो तो एक भारी महिला थी, लेकिन होली के मौके पर अक्सर कई महिलाएं अपने घर के भीतर भी रहकर इस तरीके का उत्पीड़न का शिकार होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी वहीं बना है कि आखिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कब तक बर्दाश्त होगी, आखिर कब तक उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गिरफ्तारी होती है। क्योंकि निर्भया केस भी हमने देखा कि किस तरीके से जो अपराधी थे उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।